नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भोपाल की, जहां गर्मी का सितम जारी है। साथ ही बात होगी कर्नाटक की, जहां हजरत जलाल साहब का उर्स गांव के सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं, और बताएंगे कि कैसे समस्तीपुर में महामारी को लेकर चलाया गया एक जागरूकता अभियान। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। भोपाल में गर्मी का सितम जारी है, इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ट्रैफिक सिग्नल के पास तेज धूप में रेड लाइन लगने के बाद 1 से 2 मिनट तक कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ता है, जिसको देखते हुए यातायात पुलिस भोपाल ने बड़ा फैसला लिया। अब जिस भी सिग्नल का समय 1 मिनट से अधिक होगा उसका घटाकर आधा मिनट करा जाएगा। यातायात DCP संजय सिंह ने कहा कि गर्मी की वजह से दोपहर में लोग बाहर कम निकल रहे हैं, ऐसे में 10 से 12 पॉइंट है जहाँ सिग्नल की टाइमिंग 1 मिनट से ज्यादा है। ट्रैफिक कम होने के कारण अनावश्यक लोगों को रुकना पड़ रहा है, और उसको देखते हुए स्मार्ट सिटी और टेक्नो ट्रैफिक जो सिग्नल कंट्रोल करते हैं उनसे संपर्क किया गया। आने वाले 2 दिनों में सिग्नल टाइमिंग को कम करने को लेकर कार्रवाई कर ली जाएगी, ताकि दोपहर के वक्त लोगों को कम रुकना पड़े। जी हाँ, ये सही है। इसका ड्राफ्ट जो है तैयार किया हुआ है, और ये ड्राफ्ट जो है जो सड़क सुरक्षा समिति होती है उसकी बैठक में लाया जाएगा। सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से ही इस ड्राफ्ट को अमल में लाया जा सकता है। अभी तक जो ई रिक्शाज हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध कानूनों के अंतर्गत नहीं है, और जिसकी वजह से अभी ई रिक्शा के परिचालन में संचालन में अव्यवस्था हो रही है। इसको दृष्टिगत रखते हुए ये प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसके अंतर्गत नियम और कानूनों के अंतर्गत उसके अनुसार ही उनका परिचालन और संचालन किया जाए। इसको दृष्टिगत रखते हुए यह ड्राफ्ट तैयार किया है, और अगली जो बैठक सड़क सुरक्षा समिति की होगी उसमें हम इस ड्राफ्ट को प्रस्तुत करेंगे, और यदि सड़क सुरक्षा समिति का अनुमोदन हो जाता है तो वो भोपाल शहर में लागू होगा। अभी तक ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि गर्मी के अधिकता कारण विगत 10 दिनों से दोपहर में लोग बाग कम निकल रहे हैं, तो ऐसे हमारे जो करीबन 10-12 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे सिग्नल की टाइमिंग लगभग 1 मिनट या उसके आसपास है, तो ट्रैफिक कम होने के कारण अनावश्यक उतने देर तक लोगों को रुकना पड़ रहा है। उसको देखते हुए मैंने स्मार्ट सिटी और जो हमारे ट्रैफिक जो सिग्नल्स कंट्रोल करते हैं उनको भी संपर्क किया है, और संभवतः 1 या 2 दिन में ये कार्रवाई कर ली जाएगी, ताकि लोगों को दोपहर का जो समय रहता है जिसमें अधिकतम गर्मी रहती है उस समय कम रुकना पड़ेगा। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक में अथनी तहसील इगली गांव में हजरत जलाल साहब का उर्स गांव के सभी धर्मों के लोग ने एक साथ मिलकर मनाया। आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर पूर्व विधायक शाहजहां डोंगरगांव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सभी को उर्स की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का उद्घाटन कर पूर्व विधायक शाहजहां डोंगरगांव ने शामिल लोगों को संबोधित करते हुए प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हजरत जलाल साहब उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ उर्स के कामयाबी के पूरे तारीनियां व्यवस्थित रूप से किया गया है, जैसे कि विभिन्न तरह मनोरंजन कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। सारे कार्यक्रम उर्स संपन्न होने तक जारी रहेंगे। वहीं खास तौर पर देखा जाए तो इगली गांव में अनेक महापुरुषों का आगमन हुआ था, इसीलिए गांव को पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। सभी को इस तरह भाईचारे के साथ देश की संस्कृति को बरकरार रखना चाहिए। इस मौके पर CS न्यामगौड़, अप्पा साहब पाटिल, शंकर गौड़ पाटिल, गुरुप निरादर, नूर अहमद डोंगर गांव सहित अन्य गांव के लोग मौजूद रहे। कर्नाटक से सी न्यूज़ संवाददाता रमजान मुजाबर की रिपोर्ट। रीवा में हीट वेव के प्रकोप से निपटने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कमर कस ली है। जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की गई है। जानकारी के मुताबिक, बता दें, नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने लोगों से अपील की है कि हीट वेव के दौरान लोग अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिए। यदि प्यास लगी हो तो तब भी यात्रा करते वक्त पीने का पानी अपने साथ लेकर चलें, और ORS घर में बने हुए पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी, नींबू पानी, छाछ इत्यादि का उपयोग करें, जिससे शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि रीवा शहर में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जनमानस के लिए शीतल और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, गर्मी से बचाव के लिए शेल्टर्स की व्यवस्था की गई है जहाँ लोग आश्रय ले सकते हैं। गर्मी में अत्यधिक मात्रा में बढ़ रही है
क्या नगर निगम की व्यवस्थाएं की गई? जैसे कि आप जानते हैं अभी हमारे रीवा शहर में हीट वेव का प्रकोप रहेगा, जिससे गर्मी काफ़ी रहेगी। एक तो मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगी कि ये बाहर जाते हुए अपना स्वयं का ध्यान रखें। नगर निगम में अलग अलग जगहों पर प्याऊ की व्यवस्था की है, जिनके पास रात्रि में सोने या किसी में दिक्कत आ रही है तो हमारे आश्रय स्थल में भी का भी उपयोग वो टेम्परेली कर सकते हैं, जहाँ पर पानी की और कूलर की व्यवस्था भी की गई है। आश्रय स्थल कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? आश्रय स्थल जो है हमारा कॉलेज हॉस्पिटल चौराहे पर है, तो वहाँ पर जो हमारा नगर निगम का हर बार संचालित आश्रय स्थल है। इसके बाद अभी तक प्याऊ की व्यवस्था कहाँ पे कहाँ कहाँ पे की गई है? प्याऊ की व्यवस्था हमारे 11 स्थानों पर चल रही है नगर निगम में, जो हमारी पब्लिक एरियाज है जहाँ पर आवागमन अधिक रहता है वहाँ पर प्याऊ संचालित किए जा रहे हैं। पानी की क्या व्यवस्थाएं हैं? जैसे रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार को आज चौक में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान भंडारे का आयोजन करने वाले अंशुल पांडे ने कहा कि ज्येष्ठ महीने में शरबत पिलाना, भोजन कराना बहुत अच्छा माना जाता है। भगवान श्री राम और हनुमान जी के आशीर्वाद के चलते उन्होंने अपने सहयोगियों की मदद से आज पुण्य कमाने के उद्देश्य से विशाल भंडारे का आयोजन किया, जहाँ सुबह प्रभु की इच्छा से शुरू हुआ भंडारा और प्रभु की इच्छा तक चलता रहेगा। कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से ये प्रेरणा मिली तो भंडारा किया गया। सभी आम जनमानस के लिए उपलब्ध है, सभी आए प्रसाद ग्रहण करें और भगवान हम सब पर, हर जनमानस पर अपनी कृपा बनाए रखें। जेठ के महीने में विशेष महत्व है शरबत पिलाने का, भोजन कराने का। जो इस योग है वो इसको अवश्य कराएं और पुण्य प्राप्त करें। भगवान की कृपा हम सब पर, हर जीवन, हर जनमानस पर, हर पशु पक्षी सब पर बने। जय श्री राम। डॉली पांडे। देखिए, जेठ माह का समय चल रहा है और भगवान श्री राम, प्रभु के आशीर्वाद, प्रभु श्री हनुमान जी की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से आज चौक क्षेत्र में सभी आम जनमानस के लिए ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगलवार के उपलक्ष्य में आज एक विशाल भंडारे का आयोजन सुबह प्रभु की इच्छा से किया गया था, जो अनवरत चल रहा है। और उद्देश्य यह था कि जेठ माह में भंडारे से चार लोग आकर के भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और प्रभु के आशीर्वाद से आगे जो है एक दूसरे के प्रति आम जनमानस जो है अच्छे विचार, अच्छे सद्भाव और अच्छी भावना के साथ जो है आगे बढ़ता रहे। इसी उद्देश्य से आज इस भंडारे का हमने आयोजन जो है प्रभु इच्छा से किया था, जिसमें प्रसाद जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता शान की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिला अंतर्गत आकांक्षी प्रखंड हसनपुर के कस्तूरबा गांधी विद्यालय और मल्हीपुर विद्यालय में विश्व महावारी दिवस 28 मई के उपलक्ष में पीरामल स्वास्थ्य के प्रोग्राम लीडर अंजय कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संगीता मिश्रा, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक चंदन कुमार सिंह के सामूहिक प्रयास से जागरूकता अभियान चलाया गया। उक्त कार्यक्रम में छात्राओं को महावारी के दौरान होने वाली समस्याओं, महावारी के दौरान स्वच्छता इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर पीरामल स्वास्थ्य के प्रोग्राम लीडर अंजय कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संगीता मिश्रा, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक चंदन कुमार सिंह, आशीष मलिक, ज्ञानेंद्र मिश्रा, नर्स स्मिता कुमारी, रितु कुमारी, रूबी कुमारी इत्यादि मौजूद थे। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता गौतम की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।